हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 मिनट चैलेंज। मतलब आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पे बोला था कि आप मुझे 1 मिनट का चैलेंज दो, कोई भी चैलेंज दो, मैं उसे करने की कोशिश करूँगी। तो सब लोगों ने, तो बहुत से लोगों ने तो सिमिलर दे दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने कुछ हट के दिया, खाने पीने का दिया, मेकअप का दिया, बहुत कुछ टफ टफ दिया गाइस। तो आगे वीडियो में देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर इस वीडियो को प्यार मिला अच्छा वाला तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी जो जो रह गए हैं। और या तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फैक्ट गर्ल ने बोला है और एस के आतिका ने बोला है, इकरा खान ने बोला है, 1 मिनट में आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना है। और ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए 1 मिनट में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना, क्योंकि मुझसे कम से कम 20-25 मिनट लग जाता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में। बट देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो। तो चलिए आपको दिखा दूँ, 1 ही मिनट का लगा हुआ है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लिया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। और ये मेरा लेंस ही मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, ये मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा है और मुझे नहीं लगता मैं इसको लगा पाऊँगी 1 मिनट में। वो भी इम्पॉसिबल गाइज, इम्पॉसिबल है ये 1 मिनट में लगना, वो भी मुझसे। एक तो लग गया, 24 सेकंड बाकी है। ओ माय गॉड, 24 सेकंड बाकी है। दूसरा भी लग जाओ, सीधा हो जाओ। पता नहीं क्या हो जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है, अल्लाह जाने क्यों। प्लीज लग जाओ, प्लीज। गया कहाँ मेरा, लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा, ओह शिट। हाय गाइस, मैं अंधी हो चुकी हूँ, क्या करूँ, मुझे फिर से निकाल के लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना इसे अच्छे से वॉश किया था, लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी में लगाई कि मेरी आँखें नहीं खुल रही है। ओके गाइस, तो ये लेंस वाला टास्क सच में बहुत खतरनाक था। गाइस, तो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि आप इतना हैवी मेकअप कैसे रिमूव करते हो। तो वीडियो तो बाद में शुरू होगा, पहले ही वाला मेकअप तो क्लीन करना है ना गाइस। तो मैं बता दूं कि मैं चेहरे पे चाहे जितना चीप मेकअप क्यों ना लगा लूँ, लेकिन जब बात हो मेरे मेकअप को निकालने की या फिर मेरे स्किन केयर की, तो मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रिफर करूँगी। ओके गाइस, तो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ वाओ स्किन साइंस विटामिन सी मैसलर मेकअप रिमूवर। और गाइस, ये मेरा फेवरेट है, ये आधा भी हो चुका है। और गाइस, मैं बता दूँ, ये मैसलर टेक्निक के साथ आता है। आपका जितना भी हैवी मेकअप क्यों ना हो, चाहे जितना वाटरप्रूफ हैवी मेकअप क्यों ना हो, ये एक ही बार में अच्छे से क्लीन कर देता है। और गाइस, ये जो है इसमें एक्टिव विटामिन सी प्लस ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि आपकी स्किन में की डेड स्किन वगैरह जो होती है उसे बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है ये मेकअप रिमूवर। और एक खास बात गाइस इस मेकअप रिमूवर की ये है कि जब आप इसे यूज करोगे तो हमारी स्किन पे जितने भी डैमेजेस होने वाले होते हैं उससे ये बचाता है। हमारी स्किन में जितनी भी गंदगी होती है उसे साफ करके आपको एक ताजगी का एहसास दिलाता है। और जो मेकअप से हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं ना, इससे भी वो बचाता है। इसमें आपको मिल जाएगा एक सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश, आप देख सकते हो यूज किया हुआ है, सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश मिल जाता है। इससे आपकी डेड स्किन और जितनी भी गंदगी होती है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये फॉर्मिंग फॉर्म में आता है गाइस, ये कंप्लीट क्लींजिंग केयर है। कभी कभी मेकअप से हमारी स्किन इरिटेट और रेड भी हो जाती है, तो इस मेकअप रिमूवर को यूज़ करने से ये प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं फेस करना पड़ता है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई और ब्रेकआउट फ्री हो जाती है। ये मेकअप रिमूवर ना सिर्फ मेकअप को रिमूव करता है बल्कि स्किन को स्मूथ और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। इसमें मौजूद है विटामिन B5 जो कि आपकी स्किन को रिन्यूअल करने का भी काम करती है और आपकी स्किन को तरोताज़ा भी फील कराता है ये। तो गाइस, फेस को वॉश करने के बाद मैं आप लोग से जल्दी से मिल रही हूँ। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर लिया है। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया और मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, कितनी ज़्यादा जो है कितने अच्छे से मेकअप निकल गया है। और एक बात मैं बता दूँ, इस मेकअप रिमूवर में वाओ स्किन साइंस की मैसलर मेकअप रिमूवर में आपको मैं बता दूँ, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है पहली बात तो, और इसमें नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो कलर, कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं किया गया। ये हार्मफुल केमिकल से फ्री है, ये मेड इन इंडिया होता है, सूट करेगा
मिलेगा। हार्ड स्किन टाइप के लोगों को आपकी कोई भी टाइप की स्किन हो आराम से सूट करेगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और गाइस वाव स्किन साइंस के हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको इस टाइप का QR कोड देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप इसे स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। और वाव स्किन साइंस का अपना खुद का ऐप आता है, जिसे आप डाउनलोड करके नोटिफाई हो सकते हो कि कब वाव स्किन साइंस पे कौन सा ऑफर चल रहा है। गाइस ये भी बता दूं कि वाव अपने हर प्रोडक्ट के साथ भेजता है ऐसा सीड पैक, जिससे आप एक पौधा प्लांट करके एक ग्रीनर प्लैनेट बनाने का हिस्सा बन सकते हो। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट है वो जफर अब्बास ने किया है। 1 मिनट में 5 ईयरिंग चेंज करो। डियर मेरा नाम यास्मीन है, चाहे ये यास्मीन है, इनकी जो ID नेम है वो जफर अब्बास है। तो आपको नहीं लगता कि 1 मिनट में आपने 5 ईयरिंग बहुत ज़्यादा दे दिया है? तो लेकिन ट्राई करते देखते हो पाता है कि नहीं हो पाता। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 ईयरिंग रख ली है और यहाँ पे मेरा टाइमर लग गया है, तो ये हो गया स्टार्ट। ठीक, तो सबसे पहले ये वाली ये तो जा ही नहीं रही, हटो, मेरे हाथ कांप रहे। एक ये, मुझे नहीं लगता 5 पहन पाऊंगी। ये हो गया एक, दो, ठीक, दो, तीन, ठीक, चार, ये देखिए 4, ठीक। अच्छा, इसमें मैंने पेच लगाई थी, अरे यार, 5 पेच की वजह से मैं फंस गई, लेकिन शायद हो जाएगा। ये 6, तो ये मेरी 6 हो गई। ये वाला मैं जीत गई, ठीक है। तो ये 5 ईयरिंग मैंने 1 मिनट में बदल लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 5 ईयरिंग बदल लिया। चुप हो जाओ यार। ओके गाइस, जो नेक्स्ट चैलेंज है 1 मिनट का, वो 3 लोगों ने एक जैसा ही किया है, शाकू ब्यूटी कोर्स और शेक्स सबीना फैक्ट गर्ल। उन्होंने बोला है शाकू ब्यूटी कोर्स ने कि 1 मिनट में दी दोनों हाथों से आईलाइनर लगाओ, दी राइट हैंड से लेफ्ट आईज में लगाओ और लेफ्ट हैंड से राइट आईज में लगाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने कर दिया स्टार्ट, तो ये हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले ठीक, इससे तो नहीं लगा पाऊंगी मैं। हो गया, मैंने कर दिखाया, 2 सेकेंड रह गया था, उससे पहले मैंने कर लिया। ओके गाइस, तो ये मेरा लग गया लाइनर और मैंने बहुत अच्छा लाइनर लगाया है, ऐसा नहीं है कि ख़राब सा लगाया, मैंने अच्छा लगाया। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट चैलेंज है वो लिखती हैं प्रतिभा गुप्ता, 1 मिनट में खुद को पागल साबित करो। साबित करने की क्या ज़रूरत, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं पागल हूँ, मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, मैं पागल हूँ, ठीक है, खुश। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है वो समन ने बोला है 10 बलून मुंह से फुलाना है, फरा रेहान शायद इनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 बलून ले लिया है, तो चलिए देख लेते हैं कि मैं कितना बलून फुलाऊंगी। 2, 3 स्टार्ट। तो मुझे नहीं लगता मैं 10 फुला पाऊंगी। 1 2 बांध भी रही हूँ साथ में यार, 2 3 अरे यार 3 ही हुआ अभी, 4 मुझे छोटे वाले लेने चाहिए थे, 5 10 तो नहीं हो पाएगा शायद,
6 17 मिनट आए है, इसमें 6 निकला है, 7 इसमें 6 निकल गया। आठ फुला पाई, सॉरी। ओके गाइस, मैं 8 फुला पाई क्योंकि 2 में 6 निकल आए थे, नहीं तो मैं फुला लेती, ऐसी बात नहीं थी। ओके गाइस, जो नेक्स्ट है वो मेकअप वेकअप से नहीं है, वो है मंतशा सलीम ने बोला इंस्टाग्राम से, 1 मिनट में आपको 12 कैंडल जलाना है, वो भी ओनली 1 मैच स्टिक, मतलब सिर्फ 1 माचिस की तीली से मुझे 12 मोमबत्तियाँ जलानी है। मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं, ट्राई करने में जाता क्या है। यहाँ पे मैं अपना टाइमर मैंने लगा दिया है, और टाइमर का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक ही स्टिक से जलानी है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये मेरी 1। अरे चलो यार, तुम लोग को क्या देखो, जल गए यार। ओके गाइस, टाइम तो बचा था, लेकिन एक स्टिक से मेरा हाथ जल गया। ओके गाइस, जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है रिफा ब्यूटी ने किया है कि आप प्लीज़ विदाउट लाइट ऑन करें मेकअप चैलेंज करें, मतलब मैं ये सारी लाइटें बंद कर दूं और अंधेरे में अपना मेकअप करूं 1 मिनट के लिए। तो चलिए गाइस, एक्सेप्ट करते हैं ये वाला चैलेंज। सच बताऊं गाइस, तो मुझे बहुत जोरों का डर लग रहा है सच में। 1 मिनट का ये लगा हुआ है टाइमर, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे सामान भी नहीं दिख रहा है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसीलर लगाऊंगी क्योंकि मेरे यहीं पे जो है नहीं था, पता नहीं कैसे चलेगा। सामान भी तो नहीं दिख रहा है, सामान भी तो दिख रहा है। लिपस्टिक लगा लूँ पहले, इतना तो चलेगा ना। ठीक, लाइनर कहाँ गया? अरे 31 सेकंड बचा है, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मुझे सच में डर भी लग रहा है। ठीक, टेंट कहाँ गया यार? ये टेंट, ठीक है यार, तुम लोग भी क्या क्या कराते हो, पता नहीं कैसा हुआ होगा। चुड़ैल लग रही हूँ, ऑन करके आती हूँ। नहीं यार, उधर तो बुरा भी नहीं किया मैंने, अंधेरा और लाइनर भी मेरा अच्छा खासा अंधेरे में लगा लिया मैंने, मतलब आप देख सकते हो कि मैं कितनी अच्छी, कितना ज़्यादा मुझे मेकअप में वो हो गया कि मैं अंधेरे में भी अपना मेकअप कर सकती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे शबाना और जिद्दी क्वीन और सना और गुलफिशा ने बोला 1 मिनट में आप गोलगप्पा खा के दिखाइए। ओके गाइस, तो मेरे यहाँ पे आ गए हैं 10 गोलगप्पे। मेरा 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मुझे कुछ तो जीतना है यार। बहुत टेस्टी है। मैं सच बताऊं गाइस,
मैंने 7 गोलगप्पे खाए हैं 1 मिनट में, ठीक है। मेरे एक डालते डालते हॉर्न बज गया और 2 बचे हुए हैं, तो मैंने 7 खाए हैं, 10 नहीं खा पाए हैं, तो ये चैलेंज भी फेल होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट और लास्ट चैलेंज जो है वो ज़ारा खान ने किया है, तो आप लोग खुद देख लो। अप्पी, आप ना 1 मिनट में 2 कोन वाली आइसक्रीम खाकर बताइए। ओके गाइस, तो इन्होंने बोला है 2 आइसक्रीम की कोन खाने को, वो भी 1 मिनट में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आइसक्रीम की कोन है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है स्टार्ट, ठीक है, चलो खाओ। 1 मिनट में 2 आइसक्रीम मुझे नहीं लगता। इतनी टाइट है। एक ही खा पाई, दूसरी कहाँ खाऊंगी। आए मेरे दिन में जाके गल गया। एक ही खा पा रही हूँ, 2 तो बहुत दूर है। स्वादी सॉरी गाइस, मेरा कसम से पता, मैं दिन में ऐसा लग रहा है मेरा अटैक आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये था मेरा चैलेंज आज का। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। वाओ के प्रोडक्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके ज़रूर चेक करिएगा।